नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस तरह की एक जो मानसिकता है काफी स्टूडेंट्स के अंदर है कि स्टेनोग्राफर की जॉब बहुत ही खराब है और कोई इसमें इज्जत नहीं होती, कोई भी इसमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इससे रिलेटेड एक कमेंट मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ था, तो वहां पर एक कमेंट आया था किसी एक लड़के का था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है स्टेनोग्राफर की। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, देखिए क्या कमेंट था उसका। जी तो देखिए, इसका कमेंट आया हुआ था, स्टेनो जॉब इन CBDT यानी कि इनकम टैक्स इज पॉइंटलेस जॉब आई एम फीलिंग नाउ। मुझे अब लग रहा है बहुत ही खराब जॉब है, घटिया जॉब है। तो इस पर एक लड़के ने पूछा कि भैया क्यों है ऐसा, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं CBDT में स्टेनोग्राफर की तैयारी कर लूँ। तो उस पर इस बंदे का कमेंट आया, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई पहचान है और ना ही कोई रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक और ने किसी ने बोला है कि वो तो किसी में भी किसी भी डिपार्टमेंट में रिस्पेक्ट नहीं है, CBDT अकेला नहीं है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है, और इसमें ये बोलता है फिर जो बंदा जो नौकरी कर रहा है ऑलरेडी CBDT में स्टेनो की जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर ये बोलता है कि मेरे ओपिनियन में बेकार जॉब है भाई, और जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, और मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ओवरऑल मिला के। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जॉब एक जॉब होती है, ठीक है। चाहे आप स्टेनोग्राफी की जॉब करें, चाहे आप इंस्पेक्टर बन जाए CGL से, ठीक है, चाहे आप इससे लोअर की जॉब करें, चाहे आप MTS की करें, LDC की करें, ठीक है। बात यहाँ पर ये जो इस लड़के ने जो बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, आप केवल खुद की जॉब को देख करके ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है ऑफिस के अंदर, देखिए ऐसा हो सकता है कि कहीं पर अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट इतनी सारी वैकेंसी निकाल रही है, कहीं पर अगर ज्यादा स्ट्रेंथ है स्टेनोग्राफर की, तो हो सकता है काम ना हो। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब इतनी ज्यादा खटक रही है, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जिस जॉब को कर रहे हो वो लाखों लोगों का सपना है उस जॉब को करना, अगर आप आज उस नौकरी को छोड़ देते हैं ना, और अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आप एक नौकरी छोड़ देंगे तो कोई दूसरा नौकरी कर सकता है, तत्काल प्रभाव से वो जॉब करने के लिए तैयार रहेगा। तो मेरे भाई, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप जिस चीज का खा रहे हैं उसको आप डिके करें, उसकी आप बदनामी करें। जिस जॉब से आपके खर्चे चल रहे हैं, आपका हो सकता है कि बहुत से लोगों का परिवार चलता हो इस नौकरी से, चाहे वो स्टेनोग्राफर की हो या किसी की भी जॉब हो, ठीक है। मैं भी स्टेनोग्राफर हूं, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई जॉब, ठीक है। यहां मैं ये बोलता हूं कि ये ऊंची से ऊंची चीज नहीं है। देखिए, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मेरे को तो काम होता है मेरे ऑफिस में, मैं फ्री नहीं बैठता। हो सकता है आप फ्री हैं, आपको काम नहीं है, तो जब आपके पास काम नहीं होगा तो आपसे कोई क्यों पूछेगा। या तो आप अपने कमिश्नर के पास जाइए और उससे बोलिए, भाई मैं काम करना चाहता हूं। जब वो आपको काम देंगे, आपको 7-7 दिन तक किसी सर्च पर ले जाएंगे, जहां पर आपको खाने की बड़ी समस्या आएंगी, फैक्ट्री में आप डले रहेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आपके पास काम नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड है कि आपके पास काम नहीं है, आपको सैलरी बराबर आ रही है आपके अकाउंट में, आप उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करके आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी नौकरी है बताइए। अगर ये बंदा यहां पर बोल रहा है कि जॉब खराब है, कोई पहचान नहीं है, तो आप पहचान बनाने के आपको ये अवसर दे रही है कि आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको सैलरी तो मिल ही रही है, आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप और आगे बढ़ सके। ऐसी कौन सी नौकरी है आप मुझे बता दीजिए। अगर आप किसी स्टेट SI सब इंस्पेक्टर की आप जॉब करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा पूरे टाइम काम करना पड़ता है, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता और सैलरी मिलती है। आपको ऐसी जॉब अगर मिल रही है जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ रहा, भाई देखो, हर एक किसी के लिए नहीं बोल रहा, हर जगह अलग अलग मैटर चीजें करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे तो बहुत काम रहता है अपने ऑफिस में, और मैं एंजॉय भी करता हूँ अपने काम करने को, और मेरी रिस्पेक्ट भी होती है, और सब मुझे जानते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है, ठीक है। इंस्पेक्टर वगैरह सब दोस्त है, सब एक साथ रहते हैं, तो इसलिए ऐसे किसी चीज की बुराई नहीं करनी चाहिए। और आप जिस चीज का खा रहे हो, आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हो, क्या कमी है आप मुझे बताइए स्टेनोग्राफी में। अगर कोई बोलता है, अच्छा है, बहुत से ऐसे भी बोलते हैं जो CGL वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि आपकी नौकरी तो ऐसी लग गई स्टेनोग्राफी, तो मैं उनसे इतना बोलना चाहता हूं, अब आज के टाइम पर आप स्टेनोग्राफी लिख के दिखा दीजिए, आप निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए, हमने इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं निकाला, आप स्टेनो को निकाल के दिखा दीजिए, आप जॉब लेके दिखा दीजिए स्टेनोग्राफी की,
अब वो टाइम चला गया कि बड़ी ही इजीली स्टेनो बोलते थे, बहुत ही इजी डिक्टेशन बोली जाती थी। अब अगर किसी ने दिया होगा सीजीएल वाले बंदे ने जिसके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे, हवा टाइट हो गई होगी स्टेनोग्राफी लिखने में, कितनी टफ डिक्टेशन बोलने लगी है। और बहुत अच्छा है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि अब वो लोग रियल स्टेनोग्राफर की तलाश कर रहे हैं जिसमें सच में कैपेबिलिटी है स्टेनोग्राफी लिखने की। कोई भी एरा गहरा नत्थू गहरा अब अपने आप को स्टेनोग्राफर नहीं बोल सकता अगर उसको स्टेनो नहीं आती थी। पहले यही होता था, सीजीएल वाले बंदे नो डाउट इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है जो दूसरे के प्रोफेशन की निंदा करता है। अगर मैं स्टेनोग्राफर, मुझे प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे प्राउड है मेरे स्टेनोग्राफर होने पर, मुझे कोई भी शिकवा नहीं है। हाँ, अगर मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है तो मैं फर्दर और स्टडी करके मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकता हूं। लेकिन अगर अभी जो मैं वर्तमान पोस्ट जिस पर हूं मैं ग्रेड सी में, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और अगर आप बात करेंगे तो देखिए, महत्वाकांक्षाएं तो सभी की होती हैं। कोई एक एमटीएस है, उसको कुछ और अच्छा बनना है, उसको एलडीसी बनना है, एलडीसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, किसी को इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर कमिश्नर बनना चाहता है, कमिश्नर मेंबर बनना चाहता है, मेंबर फिर मिनिस्ट्री मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो ऐसे तो इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता मेरे दोस्तों। तो किसी की भी बातों में आने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी होती है स्टेनोग्राफी की। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो एसएससी स्टेनोग्राफर बहुत ही ज्यादा बेस्ट जॉब है आपके लिए। और आपको पता है आज के समाज में गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो एमटीएस ही क्यों ना हो, कितनी वैल्यूएबल जॉब है। बोला जाता है एमटीएस के लिए भी इतने बड़े बड़े लोग, एमटीएस छोड़िए डाकिया की अगर आती है जगह, पोस्टमैन की जगह आती है, पीएचडी होल्डर उसमें फॉर्म भरते हैं। और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब करने के बाद उसकी बुराई कर रहा है तो भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है उस चीज के लिए कि आप जिस चीज का खा रहे हैं आप उसी का बुराई कर रहे हैं। अगर आपको इतनी शंका है तो मैं तब आपको मानूंगा, आप जॉब छोड़ दीजिए, आप कुछ प्राइवेट कीजिए, एंटरप्रेन्योर बन जाइए। आप अगर नहीं करना चाहते, आपको इतनी शिकायत है स्टेनो की जॉब से, तो आप जॉब छोड़िए ना। आप जॉब छोड़ते क्यों नहीं है, छोड़िए, कुछ खुद का कीजिए ना। वो घटिया जॉब क्यों करना चाह रहे हो? अगर स्टेनो की जॉब इतनी घटिया है, खराब है, आप दूसरे को सजेशन नहीं देना चाहते कि भैया तू ये जॉब कर, तो आप छोड़ो सबसे पहले उस नौकरी को, तब आप बोलो कि हाँ भैया ये घटिया है इसलिए मैंने छोड़ दी। पहले आप छोड़िए, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा उठा रहे हैं वहां से और आप बुराई भी कर रहे हैं। ये हक आपको नहीं है ऐसा करने का कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी, दूसरे एस्पायरेंट्स को जो आगे कुछ करना चाहते हैं, आप उनको डीमोटिवेट कर दें कि ये जॉब खराब है और ये है वो है। तो ऐसा बिल्कुल आप भी ना सोचें। जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, करिए फुल फोकस से, ठीक है? और स्टेनो आप सीखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो इस प्रकार के मिथ है, रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप समझिए भाई, आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा था, आपको स्टेनोग्राफर बनना था, तो आप स्टेनोग्राफर ही बनेंगे। आप कमिश्नर नहीं बन जाएंगे, आप आईआरएस नहीं बन जाएंगे, उससे आपको यूपीएससी की पोस्ट नहीं दी जाएगी। स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं ना, तो स्टेनो की पोस्ट आपको मिलेगी, समझ रहे हो? तो या तो आप चेंज कर दीजिए, आप तो या तो आप अभी से यूपीएससी की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपको आपके सपने बहुत ज्यादा बड़े, बहुत आपको इज्जत चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी को नहीं मिल सकती भारत सरकार के अंदर, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।